बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवरफुल और आसान से आज बनाएंगे हम सैंडविच। यहाँ पे ये सैंडविच हम बना रहे हैं लंच बॉक्स के लिए। आप इसे शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आए तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये मज़ेदार से सैंडविच हमने किस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मेरे पास हैं बॉयल किए हुए 3 आलू, छोटे साइज़ के आलू हैं ये मेरे पास। इनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करके इस तरह से रख लिया हुआ था। अब ये ठंडे हो गए हैं तो इनको मैश कर लेते हैं। आप मैशर की हेल्प से या इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ फोक की हेल्प से इन्हें इस तरह से मैश कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बस सिंपल से यही मसाले इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से इसमें मसाले डाल सकते हैं, चाट मसाला का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पाइस किस क्वांटिटी में डालना पसंद करते हैं, वो डाल लीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड के 2 स्लाइस। यहाँ पे इस बैटर को स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से हमने लगा देना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे, बहुत ही अच्छा सा बस पतला पतला सा हमने इसके ऊपर इसे सेट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छा सा बैटर भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़े से मेरे पास है सफ़ेद तिल, ये डाल देंगे। इससे बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा और सफ़ेद तिल वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो सफ़ेद तिल ज़रूर से ऐड कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी कलवंजी भी मैंने ऐड कर दी है। कलवंजी में अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा रखी है, तो इसलिए कलवंजी का भी अपने खानों में ज़रूर से यूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये दोनों स्लाइस मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। तो तवे पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे देखिए हमने एक स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, यहाँ तक के जो हमने इसके ऊपर आलू लगाए हैं वो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर पकड़ लें। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। साइड को चेंज करते हुए हमने फ्लेम को लो पे कर देना है ताकि इसकी दूसरी साइड बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो। ऑयल नहीं लगाएंगे, सिंपल इसी तरह से इसे हमने सेक लेना है। तो यहाँ पे इसी तरह से दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोनों स्लाइस रेडी हो चुके हैं। दरमियान में से इस तरह से इसे कट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल से ये सैंडविच बनते हैं और बहुत ही मज़े ले के बच्चे इन सैंडविचेस को इंजॉय करते हैं। तो लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन आइडिया है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।